कि मायावती की बीजेपी से बातचीत चल रही है। आप इस लाइन का, इस खबर का महत्व समझिए। आपने जो बात कही है उस बात का जवाब इस खबर में नहीं है। तो गैर भाजपा वोटरों का ध्रुवीकरण, जो कि इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है और किसी भी विपक्षी पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए। सर, आजकल एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपको भी सुनाता हूँ। जितना हो सके उतना उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें, उसको पोलराइज करने की कोशिश करें। अगर वो 100% पोलराइज नहीं कर पाते हैं तो 60% करें, 70% करें, 80% करें। मीडिया में इस वक्त कलाबाजियां खाई जा रही हैं कि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावा कर रहा है। दरअसल किसी भी नेता ने प्रधानमंत्री पद का दावा नहीं किया है, किसी भी पार्टी ने। तो उससे पूरे देश में पहली बार एक संदेश जाएगा कि भाजपा के साथ में राष्ट्रीय मंच पर एक चुनौती देने वाली ताकत खड़ी हुई है। अगर 3 राज्यों में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन 60-70% नहीं सुधारा तो उसे 2024 में भाजपा को परास्त करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। इस गठबंधन और इस एकता का भविष्य कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर है और कांग्रेस के रवैये पर निर्भर है। इसीलिए बंगलोर की मीटिंग में सोनिया गांधी निकल कर आई। तो ये प्रीपोल अलायंस बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और 8-9 महीने पहले अगर प्रीपोल अलायंस होता है तो वो दोनों काम कर सकता है, वो जीत का गढ़ भी तलाश कर सकता है और जीत का रसायन भी तलाश कर सकता है। बीजू जनता दल ने दिल्ली अध्यादेश के सवाल पर सरकार का समर्थन किया तो उसके कई सांसदों ने नवीन पटनायक से कहा कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, एक तो हम लोगों को राजनीतिक समीक्षक के तौर पर तमाम घिसे पिटे फिक्रों से पल्ला झाड़ लेना चाहिए कि दिल्ली का रास्ता वहां से जाता है, यहां से जाता है, ये सब बेकार की बात है। नमस्कार आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास शो नजर और नजरिया, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो 31 और 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होने जा रही है उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि बहुत सियासत जो है पूरी तरीके से गर्म है। पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था, हमने देखा कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि कुनबा बढ़ रहा है और कुछ और जो दल हैं वो शामिल हो सकते हैं। बीएसपी को लेकर खासतौर पर बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन आज मायावती की तरफ से एक के बाद एक जिस तरह से ट्वीट किए गए और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनडीए और इंडिया को एक साथ रखा गया और ये कहा गया कि तमाम जो पार्टियां हैं वो एक जैसी हैं और जो मीडिया ये खबरें फैला रहा है इन खबरों को फैलाना पूरी तरीके से बंद कर दे। उस सबके बीच हम ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है उसका जोश हाई दिख रहा है और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में घबराहट देखी जा रही है। जिस तरह से 200 रुपए सिलेंडर के दाम जो है वो कम किए गए हैं और घमंडिया इंडियन मुजाहिदीन से उसकी तुलना करना वो आप सबके सामने है। उसको एक गुब्बारा बताया गया था इंडिया गठबंधन को और कहा कि जल्द ही ये फूट जाएगा, लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में नजर आता है। खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो घोसी जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन जो है खासतौर पर कांग्रेस और अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह की मैसेजिंग जो है वो दी जा रही है। इन तमाम चीजों का असर आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर किस तरह से पड़ने वाला है, कितना दम है इंडिया गठबंधन में, जो दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं उनको किस तरह से देखा जाए, एक अकेला सब पे भारी की बात करने वाले प्रधानमंत्री 38 दलों के साथ हैं और वो छोटे छोटे दल वो कहते तो हैं इंडिया गठबंधन को भानुमति का कुनबा, लेकिन भानुमति का असली कुनबा जो है वो एनडीए गठबंधन में नजर आता है। तो आखिर एक को सब पर भारी को इतने सारे दलों की जरूरत क्यों पड़ रही है? 5 राज्यों के चुनाव से पहले क्या और बड़े ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा सकते हैं और इस इंडिया जो गठबंधन की तीसरी मीटिंग जो होने जा रही है इससे क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाएं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर अभय दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अभय दुबे आपका मेरे प्रोग्राम में। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, मायावती का बयान, इंडिया गठबंधन की मीटिंग और उससे पहले मायावती का इस तरह का बयान, मायावती पहले से ही राजनीतिक रूप से देखें तो हाशिए पर हैं और अब उन्हें और ऐसा और क्या डर सता रहा है? ये डर है, मजबूरी है, अहंकार है, क्या है जो इस तरह के बयान वो दे रही हैं? बुशरा जी, आपके कार्यक्रम में आने के 5 मिनट पहले मैं टीवी देख रहा था
तो उसमें एक लाइन आ रही थी कि शरद पवार ने ये कहा है कि मायावती की बीजेपी से बातचीत चल रही है, और शरद पवार की तस्वीर भी आ रही थी। मैं पूरा कार्यक्रम देख नहीं पाया, लेकिन आप जी इस लाइन का, इस खबर का महत्व तो समझिए। आपने जो बात कही है उस बात का जवाब इस खबर में निहित है। मायावती अगर ये कहती हैं कि मैं किसी के साथ कोई गठजोड़ नहीं करूंगी, अगर वो कहती हैं कि मैं किसी के साथ कोई गठजोड़ नहीं करूंगी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो ऐसा करके वो केवल भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्हें इसका हक नहीं है, एक राजनीतिक दल के रूप में उन्हें पूरा हक है कि जो चाहे वो स्टैंड लें, और उनकी अपनी एक राजनीति हो सकती है उसकी, हो सकता है उसको अभी हम ना समझ पा रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर समान राजनीतिक सामान्य ज्ञान का प्रयोग करने पर बात साफ तौर पर समझ में आती है कि जहां उनके उम्मीदवार खड़े होंगे उनको जो भी वोट प्राप्त होंगे वो सारे के सारे गैर भाजपा वोट होंगे। तो गैर भाजपा वोटों का ध्रुवीकरण, जो कि इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है और किसी भी विपक्षी पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए, उस ध्रुवीकरण को मायावती कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगी अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाती हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश, मायावती और कांग्रेस के बीच में एक विशाल और शक्तिशाली गठजोड़ होता है और पृष्ठभूमि में INDIA गठबंधन होता है, तो बिल्कुल फिर वो गेम चेंजर साबित होगा और चुनाव की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। अगर मायावती NDA के साथ चली गई तो बात स्पष्ट हो जाएगी अपने आप में कि वो भाजपा के साथ है, लेकिन अगर वो भाजपा के साथ नहीं गई और उन्होंने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए, उससे भी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं, इस इंडिया गठबंधन के 26 दल एक साथ आए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि कुंबा बढ़ सकता है, आपको क्या लग रहा है जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है, कितनी उम्मीद इससे लगाई जाए? क्या वाकई में जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बातें की जा रही हैं, क्या आप उसमें उतना दम देखते हैं? और क्या घबराहट, क्या डर भारतीय जनता पार्टी में आपको नजर आता है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले सिलेंडर के दाम जो है वो घटाना, और इसके साथ ही जो तमाम बयान, घमंडिया, इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करना, घमंडिया कह देना, वो तमाम तरह की बातें, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में ईडी को भेजा गया, तो क्या घबराहट आपको नजर आती है और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन से कितनी उम्मीदें आपको नजर आती हैं? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गठबंधन के प्रति रवैया ऐसा क्यों है, और दूसरा हिस्सा ये है कि क्या इंडिया गठबंधन टिका रहेगा, इससे हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो पहली बात, जो पहले गट पे मैं अक्सर आजकल एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपको भी सुनाता हूँ। एक शिकारी जो है अपने कुत्ते के साथ में एक हिरण का पीछा कर रहा था। कुत्ता बहुत तेज भाग रहा था, कुत्ते की जिम्मेदारी थी हिरण को पकड़ना, लेकिन हिरण इतना तेज भागा कि वो दौड़ कर निकल गया, आंखों से ओझल हो गया। तो शिकारी ने कुत्ते पर तंज कसा कि भाई ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी थी हिरण को पकड़ने की, वो तुमसे ज्यादा तेज कैसे निकला? तो कुत्ते ने शिकारी से कहा कि हुजूर वाला, मैं तो आपके हंटिंग प्लेजर के लिए दौड़ रहा था, हिरन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष भाजपा विरोधी चुनावी एकता करना, ये विपक्ष के लिए अस्तित्व का सवाल है, उनके वजूद का सवाल है उनके लिए। ये एकता अगर वो नहीं करेंगे तो 2024 के बाद, अगर नरेंद्र मोदी का फिर से 2019 जैसा या उससे बेहतर बहुमत आ गया, तो विपक्ष केवल नाम मात्र का ही रह जाएगा और व्यवहारिक रूप से भारत में विपक्ष समाप्त हो जाएगा। विपक्ष के लिए जरूरी है कि वो एकजुट होकर लड़ें, और भाजपा विरोधी वोट जो बिखर जाता था उस वोट को जितना हो सके उतना उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें, उसको पोलराइज करने की कोशिश करें। अगर वो 100% पोलराइज नहीं कर पाते हैं तो 60% करें, 70% करें, 80% करें। वो जितना ज्यादा उसको पोलराइज करेंगे उतनी ही भाजपा की सीटें कम होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव हार जाएगी, ये सब कहना, ये सब भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है, ये तो तय करना भारत के वोटरों का जिम्मेदारी है, वो करेंगे तय, ये तो उनका विशेषाधिकार है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं तो एक समीक्षात्मक दृष्टि से ये कह रहा हूं कि जो भाजपा विरोधी वोट है अगर वो इसी तरीके से बिखरा रहा तो उससे कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी को फिर से फायदा होगा और वो फिर से चुनाव उसी तरीके से जीत जाएंगे जिस तरह 2019 में जीते थे। तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है इस एकता को कायम रखना, और मुझे अभी तक पटना की मीटिंग में और बंगलोर की मीटिंग में ऐसी कोई भी आहट नहीं सुनाई थी जो उस एकता को तोड़ने की तरफ या बिगाड़ने की तरफ ले जाने वाली हो।
मीडिया में इस वक्त कलाबाजियां खाई जा रही हैं कि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावा कर रहा है। दरअसल किसी भी नेता ने प्रधानमंत्री पद का दावा नहीं किया है। किसी भी पार्टी ने जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, एक भी आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिया है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनके प्रवक्ताओं और उनके मझोले दर्जे के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उनकी उनकी बातों के कुछ अपने मन के मुताबिक मतलब निकाल के ये सब कलाबाजियां टीवी चैनलों पर खाई जा रही हैं। इसका कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन की एकता इससे प्रभावित होने वाली है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया क्यों है, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, जिसका आप इसकी आपने कई मिसालें अभी पेश की। देखिए, पिछले 9.5 साल की चुनावी राजनीति में भाजपा के खिलाफ एक प्री पोल अलायंस होना, एक चुनाव पूर्व गठबंधन होना सबसे अहम घटना है। इतनी महत्वपूर्ण घटना आज तक घटित नहीं हुई। 2014 में विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 था, 2019 में भी विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 था। अगर 2024 से पहले, वो भी 7-8 महीने पहले, विपक्षी एकजुट होते हैं, वो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम निकालते हैं और अपने अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने के बजाय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अपना घोषणा पत्र बना के सारे देश में चुनाव लड़ते हैं, तो उससे पूरे देश में पहली बार एक संदेश जाएगा कि भाजपा के साथ में राष्ट्रीय मंच पर एक चुनौती देने वाली ताकत खड़ी हुई है। जो भाजपा विरोधी वोट अगर उस ताकत को पसंद करेंगे तो उसे उन्हें यकीन होगा कि हम उस ताकत को वोट दे रहे हैं जो कि सरकार बना सकता है। पहले तो ऐसा था ही नहीं, उस प्रकार का कोई विकल्प था ही नहीं। तो ये इस बात से भाई देखिए, जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, उससे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था एक अकेला बाकी सब। जैसे ही गठबंधन बना, वैसे ही उन्होंने 5 साल से जो एनडीए डिफंक्ट पड़ा हुआ था उसको झाड़ पहुंच के खड़ा करना शुरू किया। ये सब उसी मैं कहता हूँ ये इंडिया इफेक्ट है। भाजपा जो कुछ कर रही है वो इंडिया इफेक्ट है। साथ में मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझने की गलती हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी ताकत है, एक चुनावी मशीनरी में बदल चुकी है। लोकसभा चुनावों में अभी नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है, अभी विपक्षी एकता होने की प्रक्रिया में है। इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इन लोगों को बहुत काम करना है। अभी से ये मानने लगना कि ये उनको हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो बहुत कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सीटों के तालमेल में बहुत परेशानियां आएंगी इन लोगों के लिए। तब देखना पड़ेगा कि गेंद किसके पाले में रहती है। मुझे लगता है कि ज्यादातर गेंद कांग्रेस के पाले में रहेगी। कांग्रेस को न केवल अपनी जहां भाजपा से उनकी सीधी टक्कर है वहां कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना है, बल्कि उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस दावेदार है और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां भी दावेदार हैं, वहां पर कांग्रेस को काफी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने अपने अपनी सीटों की, तब कहीं जाकर वो गठजोड़ हो पाएगा। जी, और अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अगर हम देखें, खासतौर पर 3 हिंदी भाषी जो स्टेट है वहां पर कांग्रेस काफी मजबूत है। 2 राज्यों में उसकी पहले से ही सरकार है, वहां बड़े जो उनके कद्दावर चेहरे हैं वो अपने आप में जो स्टेट लीडर्स हैं वो अच्छे खासे मजबूत हैं। तीसरे मध्य प्रदेश में भी पिछली बार सरकार बन गई थी, किस तरह से छीनी गई वो सबके सामने, और वहां भी कमलनाथ के रूप में जो एक बड़ा चेहरा है, कद्दावर चेहरा, वो सबके सामने है। क्या आपको लगता है कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो क्या इस 5 राज्यों में भी कोई पेच अटक सकता है? क्योंकि अगर सीधे तौर पर 3 राज्यों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर तो जो बाकी जो 26 दल हैं उनका कहीं से बहुत ज्यादा कोई इख्तदार है नहीं। देखिए, जहां तक इन 5 राज्यों का सवाल है, इसमें केवल तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस में और भारत राष्ट्र समिति में यानी चंद्रशेखर राव वाली पार्टी के बीच में बहस होगी और काफी दोनों के बीच में खींचतान होगी। बाकी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रमुख ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है, दूसरी पार्टियां ना के बराबर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है और राजस्थान में भी वही स्थिति है और बाकी फिर मिजोरम रह गया। तो मुझे नहीं लगता कि इन 3 राज्यों में जो कांग्रेस के प्रभुत्व वाले राज्य हैं, इन 3 राज्यों में किसी किस्म की सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत आएगी। कांग्रेस के सामने यहाँ चुनौती अलग किस्म की है। पिछली बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने इन 3 राज्यों में जीत लिए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस को अपना प्रदर्शन कम से कम 60-70% सुधारना है। अगर 3 राज्यों में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन 60-70% नहीं सुधारा तो उसे 2024 में भाजपा को परास्त करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी ये है। उसके बाद में तेलंगाना में अगर कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति मिल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार वहां 4 सीटें जीतेंगी तो 4 सीटें भाजपा से छीनी जा सकती हैं वहां पर।
तो ये अभय जी, आपको लगता है कि जो कांग्रेस है, अगर इन इलेक्शन के नतीजे जो आते हैं 5 राज्यों के, और जहां लग रहा है कि 3 कम से कम राज्यों में बढ़त जो है कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है और अच्छी पोजीशन में है और जीत हासिल वो कर लेती है, और अगर उसका तेलंगाना मिजोरम में भी अच्छा प्रदर्शन रहता है, हो सकता है तेलंगाना में सरकार बनाने की स्थिति में आए, तो क्या आपको लग रहा है कि फिर कांग्रेस एक अच्छी बार्गेनिंग की एक स्थिति में आएगी? क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब बेंगलुरु की, जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, तो ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो उस तरह से राहुल गांधी का नाम नहीं लेती थी, एक तरह से उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन उनके जेस्चर्स इस तरह के थे कि वो उनको लीडर तस्लीम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है, वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद तमाम लोगों से वो संवाद जो कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से जाकर मिल रहे हैं, तो वो एक ऐसे नेता हैं जो फिलहाल जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बाकी लोग हमें ज्यादातर जो है वो जब ये मीटिंग हो रही होती है उसके इर्द गिर्द ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो आपको लग रहा है इस जीत के बाद स्थिति और कांग्रेस की बदलने जा रही है, इस गठबंधन के हवाले से अगर बात करें तो? देखिए, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एंकर पार्टी है और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर कोई कहे या ना कहे, कोई तस्लीम करे या ना करे, लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एंकर पार्टी है। इस गठबंधन और इस एकता का भविष्य कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर है और कांग्रेस के रवैये पर निर्भर है। इसीलिए बंगलोर की मीटिंग में सोनिया गांधी निकल कर आई और उन्होंने इस गठबंधन के अंदर, इसमें गठबंधन बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दिया। वो इस बात का सबूत था कि कांग्रेस खुद भी चाहती है कि ये गठबंधन बने। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही कहा कि देखिए, ये प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने के लिए हम लोग नहीं, ये राष्ट्रीय एकता, ये एकता कर रहे हैं विपक्ष की। तो कांग्रेस ने अभी तक जितने भी कदम इस दिशा में उठाए हैं वो सारे के सारे सकारात्मक हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में कांग्रेस के कुछ स्थानीय प्रवक्ताओं ने कह दिया था कि दिल्ली में हम सारी सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फौरन ही फिर कांग्रेस के केंद्र केंद्र की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस बात की सफाई दी। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कहा कि हम सब मिलजुल के ये तय करेंगे, अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है। तो जो भी गलतफहमी पैदा हुई थी उस गलतफहमी को कांग्रेस की तरफ से तुरंत दूर किया गया। जहां तक इन राज्यों के चुनाव का सवाल है, कांग्रेस के लिए ये लाजिमी है कि वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव उस अंदाज में जीते जिस अंदाज में उन्होंने कर्नाटक का चुनाव जीता है। देखिए, अगर इस जीत में कोई हीला हवाला हुआ, कोई कमी रही, तो फिर जो कांग्रेस ने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से और खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस ने जो मोमेंटम हासिल किया है, जो आवेग गति हासिल की है, ये मंद पड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले काफी आगे नजर नजर आएगी। विपक्ष को इस बात का पूरा एहसास है। देखिए, हम और आप जैसे राजनीतिक समीक्षक इन नेताओं को नहीं बता सकते कि आप चुनाव कैसे लड़े हैं। ये नेता हमसे ज्यादा जानते हैं चुनाव लड़ना। ये जिन नेता हमसे ज्यादा जानते हैं कि उनकी एकता की अहमियत क्या है, नेता ज्यादा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि उसके खिलाफ होने वाले प्री पोल अलायंस का असर क्या हो सकता है। खुद भाजपा ने जब एनडीए बनाया था तो वो एक प्री पोल अलायंस था, इसका फायदा भाजपा आज तक उठा रही है। आपको ध्यान होगा 1993 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार के खिलाफ, कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद में, तो वहां पर एसपी बीएसपी का प्री पोल अलायंस हुआ था, भाजपा सरकार में आने से रह गई थी वहां। तो ये प्रीपोल अलायंस बहुत महत्वपूर्ण घटना है और 8-9 महीने पहले अगर प्रीपोल अलायंस होता है तो वो दोनों काम कर सकता है। वो जीत का गणित भी तलाश कर सकता है और जीत का रसायन भी तलाश कर सकता है। वो मैथमेटिक्स भी हासिल कर सकता है और केमिस्ट्री भी हासिल कर सकता है। लेकिन वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भविष्य के कर्म है। बिल्कुल। और ये भी अभय जी के पहले ये लगता था कि ईडी से, सीबीआई से इन तमाम लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये दल एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी कांग्रेस नहीं, दूसरी पार्टियों की तरफ से कोशिशें की गई, केसीआर की तरफ से भी, लेकिन हमने देखा कि केसीआर तो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए, बल्कि उसके साथ खड़ा होना अभी उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि उनकी बेटी को लेकर जिस तरह से नोटिस जारी किया गया उसके बाद हमने देखा। लेकिन आपको लग रहा है कि इन तमाम डरों से, आशंकाओं से, इन तमाम चीजों से अब ये इंडिया गठबंधन ने सारी चीजों को जानते बूझते हुए ये एक साथ आए हैं, क्योंकि जैसा आपने पहले कहा कि उनके लिए भी एक तरह से अस्तित्व की ही लड़ाई है। इसके साथ देखिए, साथ मुझे तो पक्का यकीन है, जी मुझे तो पक्का यकीन है कि जैसे ही तेलंगाना का चुनाव खत्म होगा, भारत राष्ट्र समिति भी इंडिया गठबंधन के मंच पे आ जाएगी। बंगलोर में उनके लोगों ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके खिलाफ तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं,
उन्होंने उनको मल्लिकार खड़गे को बधाई भी दी थी कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसमें नहीं आए बंगलौर में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपक्ष की एकता के खिलाफ है, तो ये तो आ ही आएंगे। इसको अभी जयंत चौधरी की पार्टी ने भी कहा है कि वो एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया के साथ आएंगे। तो इंडिया गठबंधन का जिसको जो कुनवा जो है, इसको आप कह रही हैं कुनवा, तो और बढ़ते ही जाना है, इसमें और भी दल शामिल होंगे, और दूसरे ऐसे सत्तारूढ़ दल जो अभी बीच में खड़े हुए हैं, जो ना एनडीए के घोषित रूप से सदस्य हैं ना इंडिया के सदस्य हैं, इन लोगों को भी अंततः अपना पक्ष चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपना पक्ष चुने बिना उनका काम चल जाए। जैसे वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल जी, श्रोमणी अकाली दल है, वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस है, बीजू जनता दल है, इन सब लोगों को तय करना पड़ेगा। ये सब लोग पहले सबसे हो सकता है कि ये एनडीए के साथ में कोई सौदा करें, तो सीटों का सौदा करें। अब देखिए अकाली दल हिचक में फंसा हुआ है, अकाली दल ने किसानों के सवाल पर बीजेपी का साथ छोड़ा था और उनकी सरकार भी छोड़ दी थी। अब ऐसा क्या बदल गया है जो अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? अगर जाना होता तो अभी तक चला गया होता। भाजपा तो चाहती है कि उनके साथ वो आ जाए, क्योंकि बिना अकाली दल के भाजपा का पंजाब में कुछ बनता ही नहीं है। तो वो बहुत इन दलों के लिए काफी मुश्किल है। अब जब बीजू जनता दल ने दिल्ली अध्यादेश के सवाल पर सरकार का समर्थन किया, तो उसके कई सांसदों ने नवीन पटनायक से कहा कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको विपक्ष के साथ रहना चाहिए था। वाईएसआर, ये दोनों लोग, दोनों पार्टियां सरकारें चला रही हैं, ये चुनाव तक केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं दिखना चाहती, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत भी होती है, टैक्स का हिस्सा भी चाहिए, इनको जीएसटी का पैसा भी वापस चाहिए, कई चीजें ऐसी हैं, ये सरकार के खिलाफ नहीं नजर। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आएगा और विधानसभा चुनाव सारे समाप्त हो जाएंगे, और विधानसभा की राजनीति लोकसभा की राजनीति से टकराना बंद कर देगी, तो उसमें विपक्षी एकता का नजारा ज्यादा अच्छी तरह खुलकर साफ होगा। तब इन सब पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि क्या करें। जी, और ये जो कहते हैं, इस पर आप कितना यकीन करते हैं कि भाई दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? अभी हम ये देखें कि बिहार की अगर हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां जो सत्ता दल, जो पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जो उत्तर प्रदेश है उसी में पेच अड़ा हुआ है। अजय राय को यूपी प्रेसिडेंट बनाया गया है कांग्रेस का, घोसी का इलेक्शन जो है वो साथ मिलकर लड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी साफ तौर पर नजर आता है कि जमीनी तौर पर जो मजबूती से जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए वो उसकी अभी कमी है, और कांग्रेस वहां पर सबसे ज्यादा, कांग्रेस को वहां काम करने की जरूरत है। अगर बीएसपी साथ नहीं आती है, और मान लीजिए और समाजवादी पार्टी, और अगर कांग्रेस ही साथ लड़ती है चुनाव लोकसभा का, तो आपको लगता है कि कुछ चीजें बदल सकती हैं क्या? वाकई में इतना दम है इंडिया गठबंधन में कि उत्तर प्रदेश में भी योगी जैसा चेहरा है, डबल इंजन की सरकार, वहां कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, एक तो हम लोगों को राजनीतिक समीक्षक के तौर पर तमाम घिसे पिटे फिक्रों से पल्ला झाड़ लेना चाहिए कि दिल्ली का रास्ता वहां से जाता है, यहाँ से जाता है, ये सब बेकार की बातें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सीटों की संख्या ज्यादा है। अब उसके बाद में महाराष्ट्र में सीटें हैं, महाराष्ट्र में शायद 48 सीटें हैं वहां पर, फिर बिहार में 40 सीटें हैं। ये सभी जगह, ये सभी प्रदेश महत्वपूर्ण है, और ये मानना कि किसी भी जगह भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराया जा सकता है, ये बेकार की बात है। भारतीय जनता पार्टी बहुत फैली हुई है, बहुत उसकी गहरी पकड़ है, उसके पास एक मजबूत नेता है, उसको ऐसा नहीं किया जा सकता कि भाजपा की 100 सीटें रह जाएं या 150 सीटें रह जाएं, ये सब काल्पनिक बातें हैं, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता। विपक्ष अपनी एकता करके भाजपा की तमाम प्रदेशों में कुछ कुछ सीटें कम कर सकता है, जिससे भाजपा की जो पूर्ण बहुमत की पार्टी के तौर पर भाजपा का हर बार उभार होता है वो ना हो पाए। विपक्ष फिलहाल केवल इतना ही कर सकता है, मेरी अपनी समझ ये है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस और उत्तर प्रदेश का सवाल है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 00 है, उसके पास ना कोई कार्यकर्ता है ना कोई सक्रियता है। प्रियंका गांधी ने वहां कोई काम नहीं किया इतने दिन तक, वो इंचार्ज नहीं। मैं उसका सबूत आपको देता हूं, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, मैं उसका सीएसडीएस का पोस्ट पोल डेटा देख रहा था, उसमें एक सवाल था, मतदाताओं से पूछा गया था कि किस पार्टी के कार्यकर्ता ने आपसे व्यक्तिगत रूप से, आपके डोर टू डोर आके आपसे कन्वेंसिंग की, तो 7,500 के सैंपल में करीबन 3,500 लोगों ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, और इसी से मिलते जुलती संख्या के लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने आए थे? 4 या 5 मतदाताओं ने कहा कि कांग्रेस के मतदाता आए थे, कार्यकर्ता आए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का जमीन पर वहां कुछ भी नहीं है।
अब उन्होंने अजय राय को, जो कि एक सक्रिय पॉलिटिशियन है और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उनकी एक छवि भी है, उनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, जो कि उन्होंने अच्छा काम किया है। अब देखिए वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी एमआईटी से लड़ेंगे, इससे भी कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 3 से 4 या 5 सीटों से ज्यादा की पार्टी नहीं है। जब अखिलेश से उनका अगर समझौता होगा, इससे ज्यादा उनको सीटें नहीं मिलने वाली हैं। अगर इससे ज्यादा सीटें दी जाएंगी तो फिर वो उन सीटों को जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उससे नुकसान होगा विपक्षी गठजोड़ का। कांग्रेस को ऐसे जगहों पर जहां पे वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तकरीबन ऐतिहासिक कारणों से जीरो हो गई है, वहां पे सीटों के लिए खींचतान करने की बजाय उन 188 सीटों पर ध्यान देना चाहिए जहां पे वो सीधे बीजेपी के साथ टक्कर में है और जहां कोई दूसरी विपक्षी पार्टी नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था, उन 188 सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% था, 92%। अगर कांग्रेस अपने स्ट्राइक रेट को नहीं बढ़ा सकती है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट फिर से 80 से लेकर 90% चल रहा, तो आप चुनाव क्या लड़ेंगे 2024 में? आप तो इन 188 सीटों पर ही हार जाएंगे। ध्यान दीजिए, 2019 की पराजय कांग्रेस की पराजय थी, क्षेत्रीय दल की पराजय नहीं थी। बिल्कुल। और लास्ट मेरा आपसे सवाल, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर बात हो रही है, केजरीवाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, चाहे अलका लांबा का बयान हो, फिर संदीप दीक्षित का बयान, ऐसे ही तो बयान नहीं दे रही हैं। अलका लांबा को तो सीडब्ल्यूसी में शामिल किया गया है, और जिस तरह की फिर बयानबाजी आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है, सब एक तरह से एक डाउट में रहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा किसी एक पार्टी को लेकर संशय है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में जाकर वो चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं अलग से। तो इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई में? देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, ये दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि आप विपक्ष की कौन सी एकता की बात कर रहे हैं। आप विपक्ष की विधानसभा चुनाव संबंधी एकता की बात कर रहे हैं या लोकसभा चुनाव संबंधी एकता की बात कर रहे हैं? कोई एकता विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं हो रही है, इसलिए इस एकता में हमेशा समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक विधानसभा चुनाव होते रहेंगे। जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए, ये समस्याएं भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए एक मीडिया कर्मी के तौर पर, एक समीक्षक के तौर पर, इस तरह की बातों को हम लोगों को हवा नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, अब आप कांग्रेस के अलका लांबा के या संदीप दीक्षित के बयानों की बात कर रहे हैं। संदीप दीक्षित की दिल्ली कांग्रेस के अंदर भी कोई हैसियत नहीं है, वो दिल्ली में रहते भी नहीं है, वो कहीं और रहते हैं। वो तो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं और मीडिया को इस तरह का सर्कस चलाना होता है हमेशा 24 घंटे, कि वहां फूट पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना दावा कर दिया, इस प्रकार की बातें करनी पड़ती हैं 24 घंटे की मीडिया में। इस तरह की बातों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अलका लामा ने जो वक्तव्य दिया था, उसके वक्तव्य की सफाई कांग्रेस की तरफ से ही कर दी गई है। अगर कांग्रेस की तरफ से नहीं की जाती तो ये इन बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करना और इस रूप में उसे पेश करना कि ये इससे फूट पड़ी हुई है या फूट पड़ जाएगी, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को अपना परिप्रेक्ष्य थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये विधानसभा चुनाव के लिए एकता नहीं है। हर आदमी विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने और अपना प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है, उसको रोका नहीं जा सकता। सारी पार्टियों के अपने अपने राजनीतिक हित हैं। हर आदमी एकता तभी करेगा जब उसका राजनीतिक हित सजेगा। ऐसा कोई नहीं है अपना राजनीतिक हित साधे बिना एकता कर ले। तो जो गठजोड़ राजनीति है, उसकी खूबी यही होती है, सबके वो इस तरह से अपनी प्लेट सजाते हैं कि सबके राजनीतिक हित सजें। और ये प्लेट लोकसभा चुनाव के लिए है, ये प्लेट विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। जी, और अगर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा दोबारा से शुरू करते हैं, कहा जा रहा है कि 15 सितंबर से शुरू कर सकते हैं या हो सकता है कि 2 अक्टूबर से भी शुरू करें। पहली जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बहुत पॉजिटिव नतीजे हमने देखे। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से ये जो यात्रा शुरू होने जा रही है, इसका जो आने वाले इलेक्शन है उसमें एक पॉजिटिव हम बदलाव देख सकते हैं? और खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि बड़ा हिस्सा इस बार की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये रियलाइजेशन है कि उसे सबसे ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश में गुजारना है अगर उसे वहां पर मजबूत करना है। तो देखिए, पॉलिटिक्स किस चीज का नाम है? पॉलिटिक्स सड़क पर किए जाने वाले एक्शन का नाम है। पॉलिटिक्स ट्वीट करने का नाम नहीं है। पॉलिटिक्स केवल नेताओं के बीच की बातचीत का नाम नहीं है। इसलिए सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्शन में उतरना पड़ता है। कांग्रेस पॉलिटिकल एक्शन से लगातार गैरहाजिर थी। राहुल गांधी ने उस गैरहाजिरी को तोड़ा और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। उसका उनको निजी तौर पर भी फायदा हुआ और उनकी पार्टी को भी फायदा हुआ।
आज जो कुछ कांग्रेस कर पा रही है उसमें भारत जोड़ो यात्रा की बहुत बड़ी भूमिका है। अब वो ऐसी दूसरी यात्रा निकालना चाहते हैं, उससे उन्हें निश्चित रूप से और भी ज्यादा फायदा होगा। राहुल गांधी को फायदा हुआ ये उनके विरोधी भी मानते हैं, इसमें तो कोई शक रहा ही नहीं है। वो फायदा कितना हुआ, कितना वो चुनावी जीतों में बदल पाएगा, इस पर चर्चा है, लेकिन लाभ तो हुआ ही है। अब जब फिर से एकता करेंगे तो फिर से लाभ होगा। दूसरी बात यह, जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता आधार नहीं है वहां भारत जोड़ो यात्रा से एक फोटो अपॉर्चुनिटी तो बनेगी, एक सीन क्रिएट होगा, लेकिन वहां पर कांग्रेस उन फायदों को जमीन पर कैसे उतारेगी? भाई मान लो राहुल गांधी वहां से गुजरेंगे अपनी बहुत से लोग, बड़ा अच्छा लगेगा, हम लोग भी इसकी चर्चा करेंगे, तस्वीरें भी छपेंगी और सब कुछ होगा, लेकिन अगर वहां पर कांग्रेस का संगठन नहीं है तो उससे क्या फायदा होगा? यात्रा निकल जाएगी, उसके बाद फिर से शांति छा जाएगी। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी ही जगह है, तो वहां पे अजय राय को बनाया गया है और अब प्रियंका गांधी को वहां से वापस बुला लिया गया है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी छोड़ दी है, इन चीजों की घोषणा नहीं की जाती है, लेकिन पत्रकार के तौर पर हम लोगों को पता है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से नाकाम रही। उनके ऊपर पंजाब की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पंजाब की भी दुर्गत कर दी, वहां से धू को उन्होंने अमरिंदर सिंह के ऊपर थोपा और आज पंजाब में देखिए क्या स्थिति है कांग्रेस की, कितनी बुरी तरह वो लोग चुनाव हारे। तो इन सब बातों को कांग्रेस के अंदर भी महसूस किया जा रहा होगा और जो कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले पत्रकार हैं उनको भी इन सब बातों को महसूस करना चाहिए और इन बातों को स्पष्ट रूप से अपने मीडिया मंचों पर कहना चाहिए, तभी इन विपक्षी नेताओं और पार्टियों को थोड़ी बहुत अकल आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी आपकी इन डेप्थ इस तमाम बातों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। धन्यवाद।